अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी, आज 20 अप्रैल 2023 है। कुवैत में तो वीकेंड है। आई बिलीव सबकी तनख्वाहें जो हैं, सैलरीज आज क्रेडिट हो जाएंगी एंड ईद इज़ ऑन द वे। अभी भी स्पेकुलेटिव है कि 20 तारीख को तो आज यहाँ तो कल ईद होगी या परसों, आई डोंट नो, इट्स जस्ट लाइक द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो आज की जो वीडियो है, आज हम डिस्कस करेंगे जी, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है उसको आप कैसे डिटरमिन करते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। एंड जो हमारी पाउंड डॉलर पे इनकम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, उसके रिलेटेड सब प्रीमियम मेंबर्स का अपडेट होगा, दैट विल नॉट बी शेयर्ड हियर। तो आई एम गोना कीप यू पोस्टेड, कीप वॉचिंग। तो मैं ट्रेडिंग व्यू पे भी स्विच करने लगा हूँ, हम दो चीज़ें करेंगे जल्दी से। फर्स्ट थिंग इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे डिटर्मिन किया जाता है, और सेकेंड थिंग इज़ जी डाइवर्जेंस कैसे आइडेंटिफाई करनी है, बहुत बेसिक। और यूट्यूब पे जो है बेशुमार वीडियोस हैं इसके बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स स्विच द स्क्रीन। पहली बात तो ये है कि आपके ना तीन प्राइमरी प्राइस स्ट्रक्चर्स होते हैं। टाइम फ्रेम हियर इज इररिलेवेंट, लेकिन द बेस्ट थिंग इज यू ड्रॉ देम ऑन द बिगर टाइम फ्रेम। डेली 4 आवर, 1 आवर भी ठीक है, चल जाएगा। आपके पास बुल पैटर्न है, ठीक है, बुल प्राइस स्ट्रक्चर, यू हैव ए बेयर प्राइस स्ट्रक्चर, इनको हम अपने कोर्स में जो है इन डिटेल डिस्कस करते हैं। एंड देन यू हैव ए साइडवेज चैनल, राइट। ये प्राइस स्ट्रक्चर्स हैं, आपने इनको देखना है। प्राइस स्ट्रक्चर्स का जो मकसद होता है सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन बताना, कि क्या मार्केट में बायर्स इन कंट्रोल और ऊपर की तरफ प्राइसेस उछालने की कोशिश करें, बुल्स या बेयर्स नीचे करने की कोशिश करें। तो ये हमने पाउंड डॉलर का 4 आवर का चार्ट निकाला है। अगर आप इसमें गौर करो, यू कैन सी हियर कि मार्केट ने कंसिस्टेंट जो है हायर हाइज बनाई, और उसके बाद यू कैन सी वी हैव एन अप चैनल हियर, हायर हाइज और हायर लोज। उसके बाद कुछ देर बाद जो है मार्केट ने ऊपर जाके स्ट्रगल करना शुरू कर दिया और एक साइडवेज ट्रेडिंग रेंज जो है वो इस्टेब्लिश कर दी। ओके, अब कैसे हम डिटरमिन करेंगे कि स्ट्रक्चर जो है वो वायलेट हो गया है, ये ब्रेक हो गया। लेट्स से अभी साइडवेज ट्रेडिंग रेंज चल रही है ना यहाँ पर, ठीक है, वी हैव, यू कैन से वी हैव हायर हाई, लेकिन यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर रिजेक्शन मिली है। यहाँ पर लो, थोड़ी सी हायर लो, बट एकदम यानी देयर क्लोज टू ईच अदर। अगर तो रेड कैंडल्स की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, इट हैज टू कम लिटिल बिट हियर अराउंड दिस एरिया, इसको तोड़ दें, ओके, इट हैज टू ब्रेक इट, और एग्रेसिव रेड कैंडल्स या ये जो जितना भी डिस्टेंस यहाँ पे कवर होना है इसको तोड़ने के लिए यहाँ पर रेड कैंडल्स की क्वांटिटी मजीद बढ़नी चाहिए, और यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न आना चाहिए। ओके, इस तरह हम डिटरमिन करते हैं कि प्राइस स्ट्रक्चर टूटा है या नहीं टूटा। सेम गोज फॉर द अपसाइड मूव, आप चेक कर लो, इफ यू अंडरस्टैंड इट, इफ यू डोंट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि जी हम डाइवर्जेंस को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं। वेरी इजी, डाइवर्जेंस को डिटरमिन करने के लिए आप कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर जो है ऑसिलेटर बेस इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कैन बी RSI, MACD, स्टोकास्टिक, व्हाटएवर, जस्ट गो फॉर RSI। मैं डाइवर्जेंस ट्रेडिंग इतनी ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता, उसको ट्रेड करने का तफसीली तरीका है, एक इन्वेस्टर स्टाइल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। I'll teach you that in the ये सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को हम सिखाएंगे, ठीक है, बट मैं आपको बहुत ही जनरल और बेसिक आइडिया दूँ। डाइवर्जेंस का मतलब है ऑपोजिट। जब मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेंड कर रही है ना, यू कैन सी हायर हाईज बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, तो इंडिकेटर को भी हायर हाई बनाना है, ठीक है ना, एंड इंडिकेटर शुड ऑल्सो क्रिएट अ हायर हाई। ये देखें, लेट्स से ये ये मार्केट ने हायर हाई बनाई, तो फिर इंडिकेटर को भी जो है ना हायर हाई बनाना चाहिए, सो इट मेड अ हायर हाई, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पर जो है नेक्स्ट हायर हाई बनी है, ठीक है ना, तो मार्केट ने क्या किया, हायर हाई नहीं बनाया, ऑपोजिट किया है। इस ऑपोजिट को हम डाइवर्जेंस का लफ्ज़ बोलते हैं। सो व्हेन द मार्केट मेक्स ऑपोजिट, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस, और इसे हम बेरिश डाइवर्जेंस बोलते हैं। इसका मतलब है जी कि ख्याल रखो, ध्यान रखो, मार्केट में यहाँ पर हायर हाई बनी है, लेकिन इंडिकेटर ने लोअर हाई किया। डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है ना, वो है जी व्हेन द प्राइस फ्लो और मनी फ्लो इज करेक्ट, बट द मैथ बिहाइंड इज बिहाइंड इट इज इनकरेक्ट। ओके, तो दिस कैन लीड टू ए शॉर्ट सेल ट्रेड। ओके, सिमिलरली हम बात करते हैं जी बेरिश डाइवर्जेंस की। बेरिश डाइवर्जेंस कुछ इस तरह की है, दिस इज व्हाट अ बेरिश डाइवर्जेंस लुक्स लाइक। यू हैव लोअर लो, मार्केट मेक्स अ लोअर लो एंड द इंडिकेटर मेक्स अ हायर। आप यहाँ पे फिर डब्ल्यू पैटर्न, RSI 30, मूविंग एवरेज क्रॉस, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक जो है एक्शन ले सकते हो।
So I hope it's clear. Take care and see you next time. Bye bye for now.